अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कौमी शजरकारी का दिन है। तो ये हमारे दोस्त बहावलपुर से वसीम साहब आए हैं, तो इन्होंने हमें जनाब आज एक सरप्राइज विज़िट कराया है विरसा फार्म पे। तो डॉक्टर शहजाद साहब होस्ट हैं यहाँ जनाब यहाँ पे, और इनके साथ ग्रीन गार्डन के सीईओ जो जवेद इकबाल साहब हैं वो भी लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और यहाँ पे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद वो भी तशरीफ़ लाए थे ओपनिंग के लिए। और हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, लेकिन शुरका अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, और हमने शजरकारी कुछ की भी है, और ये इस साइड पे ये जनाब शजरकारी हो रही है। और इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन का है इसमें, कि नहर के किनारे के साथ ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये एरिया था, और डॉक्टर शहजाद बसरा साहब ने कोशिश की है, और बता रहे थे कि तकरीबन 8 किलोमीटर नहर के साथ साथ उन्होंने जो रकबा है ये शजरकारी के लिए उन्होंने वक्फ करवा लिया है, ऑर्डर्स हो गए हैं, और यहाँ से उन्होंने इफ्तिताह किया है। तो यहाँ पे हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, हमने भी कुछ पौधे जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए हैं, और बाकी जो हैं शुरका हैं इधर बैठे हुए मेहमान हैं, हम उनके साथ मुलाकात आपकी कराते हैं। अब जो गौरतलब बात है वो ये है कि थ्रू आउट पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमारा नहरी निज़ाम ये चल रहा है, इसके साथ साथ इस तरह जगह बहुत सी फ़र्क पड़ी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है ये बखुशी ये जगह जो है ये प्लांटेशन के लिए या इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस जगह को वो आपको इजाज़त दे देते हैं। और इसकी इस हवाले से ये भी कहने की खूबी की बात है कि इन जगहों के आप पानी पहले से मुख्तस है, क्योंकि पहले जहाँ पे जंगलात हुआ करते थे, आहिस्ता आहिस्ता बीमारी आई पौधों के ऊपर, ख़ास तौर पे शीशम के पौधे के ऊपर, और ये जंगलात जो हैं ये यहाँ से ख़त्म हो गए। तो अब ये जगह खाली पड़ी है, पानी भी मौजूद है, लेबर भी महकमा जंगलात के पास मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप इस तरह से करें, थोड़ी सी हिकमत अमली तैयार करें, जिस तरह से डॉक्टर शहजाद बसरा साहब ने ये कोशिश शुरू की है, और यहाँ पे ये जो सिस्टम है जो ये थोड़ी सी कहते हैं जी 8 किलोमीटर कमोबेश इस इलाके में ये शजरकारी हो चुकी है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब के साथ हम करेंगे, बताएं डॉक्टर साहब इस हवाले से आपने किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया। देखिए जी, वो आपके सामने नहर नज़र आ रही है, गंजी नहर, जिसके ऊपर कोई पौधा नहीं है। और ये जगह देखें, सामने आपको जो ग्रीन नज़र आ रही है ये फसलें, यहाँ कब्ज़ा माफिया सारे यहाँ पे चारे लगे हुए थे, फसलें लगी हुई थी, सब कुछ वही लगा हुआ था। तो हमारी कुछ महीना डेढ़ महीना पहला एसी चन्योड हैं अशफाक कोहली साहब, उनसे किसी काम से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो नहर की जगह होती है ना, ये पौधे लगवाएँ, हमारे सामने जगह हमें दें, हम पौधे लगाने लगते हैं तो नहर वाले लगाने नहीं देते। उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ये खाली करवाई जगह, उनके ट्रैक्टर आते हैं, खुद आते हैं, वो तवान उन्हें वो डालते हैं और पर्चे काटते हैं, वो लोग भाग जाते हैं। तो अब उन्होंने जगह सारी खाली की है, और 1,10,000 पौधा महकमा जंगलात के साथ मिलके, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये चन्योड की, वो पौधे लगा चुकी है। तो आज चूँकि कौमी शजरकारी का दिन है, हमने ये जगह उनसे ली है कि अपने जो फार्म के सामने है इसको हम मेनटेन करेंगे, तो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें हम फ्रूट ट्रीज़ लगा रहे हैं। और ये हमारी कुछ ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये नहर की खूबसूरती है। और जो नहर का किनारा है, ये किनारा, वहाँ भी ऐसे ऐसे प्लांट लगाएंगे, जैसे आपने वो पॉपुलर के दरख्त देख रहे हैं वो हमने लगाए हुए हैं, वो आगे इस तरह हम साथ साथ उधर भी लगाएंगे, लेकिन ब्यूटी ये है कि सारी लगे। और ये अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये लग जाए, जैसे आपने बताया कि बजाय वो शहरों के अंदर पौधा लग गया और फिर खुश्क हो गया, ख़त्म हो गया, ये एक डेडिकेटेड जगह भी है, पानी भी है, लेबर भी है, सरकार का एक मखसूस एक काम भी है, उसको सिर्फ मोटिवेट करके थोड़ा परसू करके करना है। अगर आप कर दें तो पूरा पाकिस्तान हरा भरा हो जाएगा। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी कावश है जनाब आपकी, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। तो जवेद साहब ग्रीन गार्डन वाले, तो जवेद साहब ये जो
यहाँ पे महकमा इरीगेशन की जगह पे ये शजरकारी का जो सिलसिला शुरू किया है, माशाल्लाह जी मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि ये जगह पहले से मुख्तस थी शजरकारी के रास्ते, तो ज़ाहिर है जंगलात हमारे बीमारी की वजह से ज़ाया हो गए, कुछ चोरी वाला मामला हुआ, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने बड़ी कावश की है कि उन्होंने फैसलाबाद से ये शुरू किया है। तो आप भी ख़ास तौर पर माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं लाहौर से यहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन के लिए, तो इस हवाले से कुछ आप भी जनाब साहब बहुत शुक्रिया। आप भी माशाल्लाह गोजरा से तशरीफ़ लाए, वसीम आया है माशाल्लाह अहमदपुर शर्किया से, और सारे दोस्त आज जो मैंने यहाँ सीन देखा है ना, यकीन जाने बड़ी दिली खुशी हुई है। ये जो पॉजिटिव लोगों लोग इकट्ठे होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी इस तरह की ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होती मैंने यहाँ देखी है ना, यकीन जाने इट वाज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। और ये हर इलाके के लोग कर सकते हैं। देखें यहाँ पर एसी साहब आए, महकमा जंगलात वाले आए हुए थे, इरीगेशन वाले आए हुए थे, पटवारी आया हुआ था, सब की यहाँ कोऑर्डिनेशन हुई कि जी जो जगह कब्जा की हुई है उसको छुड़वाएगा, फिर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी, उनका अपना रोल है। तो जब इस तरह कुछ जो तहरीकी लोग हैं जिस तरह डॉक्टर बसरा हैं या साजिद इकबाल संधु हैं, उन्होंने इसको विरसा फार्म से स्टार्ट किया, तो ये हर इलाके में ये ड्राइव होनी चाहिए। देखें वो जो गिले शिकवे थे ना कि ज़मीन का कब्ज़ा नहीं छूट रहा, पौधे नहीं आ रहे, इफ़ देर इज़ अ वेल देर इज़ ऑलवेज अ वे, तो आज रास्ता निकला है, पौधे भी आ गए हैं। देखिए हज़ारों पौधे पड़े हुए हैं, ये पीछे स्टॉक लगा हुआ है और उन्होंने दिए हैं, महकमा जंगलात ने दिए हैं। एसी साहब ने आगे कहा है कि मैं डोनर्स भी आपको ला के दूँगा। और देखें जी जिन जिन लोगों की मैं समझता हूँ कि नहरों के किनारों के ऊपर जगह है जी बिल्कुल, और सामने उनके खाली जगह पड़ी हुई है, उन्हें चाहिए कि अपने फ्रंट पे महकमा इरीगेशन वाले बड़े आसानी से बाखुशी इजाज़त देते हैं कि आप उस जगह को किसी मकसद के लिए। और इस ड्राइव में जो खूबसूरती थी ना वो ये है कि महकमा जंगलात वाले लगा के फिर उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, वो चक्कर लगाते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, तो यहाँ पर तो देखें इन्होंने ओन कर लिया है और ये खुद रखवाली करेंगे, और जितना नहर के साथ साथ एरिया जिस जिस के करीब पड़ रहा है, एसी साहब ये एफर्ट कर रहे हैं कि वो लोग उसको ओन करें, उसको लुक आफ्टर भी करें। तो वो बता रहे थे कि एक जगह पे उन्होंने ये मॉडल पहले किया है, इसको ट्राई किया है, और जो सक्सेस रेट है पौधों का आप हैरान हो जाएंगे, वो 90% रहा है, और वैसे जंगलात लगाएं तो 10% भी अगर रुक जाएँ तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा एक ड्राइव है जो कि फैलनी चाहिए जी, के जिम्मेदारी लेने वाले साथ शामिल हो गए। आप जब काम शुरू करते हैं ना अच्छा नेकी का, तो सारे जुड़ जाते हैं नेकी करने वाले लोग। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मेरे जहन में तो ये आइडिया गर्दश ही अभी कर रहा था कि ये जो इरीगेशन डिपार्टमेंट की जगह है ये अब वीरान पड़ी है, जंगलात ख़त्म हो गए हैं, तो इसके ऊपर इस तरह की कोई काविश करनी चाहिए। लेकिन फैसलाबाद वालों ने कमाल कर दिया, और डॉक्टर साजिद संधु साहब से अब हम करते हैं बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से आपने ये माशाल्लाह शुरू किया और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली बात तो है जी कि शजरकारी जो है ना वो हर बंदा नहीं कर सकता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो ये सरसब्ज़ गीत जो है ना ये हर बंदा नहीं गा सकता। बेशुमार लोग जो हैं वो दरख्त तोड़ने वाले और उखाड़ने वाले हैं, ये मुआशरे में चंद परसेंट लोग हैं जो दरख्त लगाने वाले, बचाने वाले और आगे लेके चलने वाले हैं। दरख्त लगाना कमाल नहीं है बल्कि उसको बचाना और परवान चढ़ाना कमाल है। तो किसी ने कहा था कि कौमें मेच्योर कब होती हैं, तो उन्होंने कहा था जब उस कौम के बुज़ुर्ग वो दरख्त लगाएं जिसका उन्हें पता हो कि उसकी छाँव के नीचे बैठना उनको नसीब नहीं होगा, तो उस वक्त वो कौमें मेच्योर होती हैं, समझदार होती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये मेच्योरिटी आना शुरू हो गई है। यहाँ पे वो तमाम लोग जिनको पता है कि हम शायद उस दरख्त का फल भी ना खा सकें, वो आज हमारे साथ इस ड्राइव के अंदर शामिल हैं, वो फल को लगा रहे हैं और वो सदका जारिया की नीयत से लगा रहे हैं। क्यों? हमारे हाथ के लगाए हुए पंखे मस्जिद में चीज़ें वो 20-25 साल तो हमें सवाब देंगी, लेकिन जो हमारे हाथ का लगाया हुआ दरख्त है वो हमें उस वक्त तक फल दे जब तक वो फल देगा। जैतून 900 साल तक ज़िंदा रहता है, खजूर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की लगी हुई जो है वो मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज इस बात के ऊपर अकासी करती हैं कि मज़हब ने इतना क्यों दर्जा दिया था दरख्त लगाने को, और कहा गया था कि अगर तुम्हारे हाथ में पौधा और क़यामत भी कायम हो रही हो तो वो दरख्त लगा दो। इतनी खूबसूरती के साथ इसे बड़ी बात और क्या होगी। तो आज हमें मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया कि ज़िली इंतज़ामिया में बहुत अच्छे अफसरान जो थे वो मौजूद थे, वो भी सरसब्ज़ दिल रखने वाले थे। डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब की स्पीच सुनी उन्होंने, मैं साथ मौजूद था,
उन्होंने महकमा जंगलात से लेकर तमाम महकमों को साथ किया। तो झांग ब्रांच नहर जो कि मेन बड़े लंबी नहर है, ये वाली 1865 की तामीर शुदा नहर है, तो इस नहर के दोनों किनारों के ऊपर जो है वो दरख्त लगाने का मंसूबा बना। और इसका आज जो था, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हमने इसका आगाज़ ही किया है लगाने का ऑफिशियली इसका। और ये तकरीबन आप समझें कि हमने 50 किलोमीटर लंबा जो है ना ऑर्चर्ड लगाना है, और पाकिस्तान में बल्कि शायद एशिया में इस नौइयत का ये वाहद ऑर्चर्ड होगा कि जो कि 50 किलोमीटर लंबा है। 50 किलोमीटर लंबा फलदार दरख्तों का ऑर्चर्ड जो है यहाँ पर मौजूद होगा। और मज़े की बात यह है, ये फीस भी लेला होगा, ये जो खाना चाहे इसको खा सकता है। ये मुझे अक्सर एक बंदे ने पूछा, सवाल किया कि यार यहाँ से फल बड़ा चोरी होगा, तो हमने कहा हम चोरी करने के लिए तो लगा रहे हैं, अल्लाह की मखलूक खाए वही खाएगी। तो हमारी तो ख्वाहिश ही है जी कि यहाँ पे लोग जो हैं जो खामोश करेंगे। तो हमारी जो है ना यहाँ पे जो ख्वाहिश जो है ना वो ये है कि यहाँ पे ना बच्चे जो हैं आए, ये चीज़ें खाएं, फल खाएं, जानवर खाएं, परिंदे खाएं। थोड़ा कट कर लीजिएगा। तो हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है, और हम लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो तमाम लोग जिनमें जिस्मानी सकत है वो लगा सकते हैं तो अपने हाथ से दरख्त लगा दें, जिनमें माली सकत है वो माल से पैसे से दरख्त और पनीरियाँ तैयार करें और लोगों में बांटें, ताकि वो लोग उनके दिए हुए पौधों को, अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने हमसायों और अपने घर के जो फल खाते हैं ना उसका बीज इकट्ठा करके हमें पहुँचा दें, हम वो लगा देंगे। तो किसी भी तरीके से इस ऐसे काम में हमारे साथ शामिल हो जाएँ जिस तरीके से आपके नाम का, आपके वालिद के नाम का, आपके परदादा के नाम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, हसनैन करीमैन के नाम का, आपको जिससे भी मजहबी अकीदत है हम उसके नाम का आप पौधा जो है लगा देंगे। और जब आप इस दुनिया को छोड़ के वहाँ पे जाएंगे तो आपको उन शख्सियात का साथ रहने का मौका इसलिए मिलेगा कि आपने दुनिया में उनके नाम का दरख्त लगाया था। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।